उत्तराखंड त्रास्ती में जनपद के 5 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 3 परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी के विजयन पांडियन से मुलाकात की, जबकि 2 परिवार के लोगों ने आपदा के पोर्टल पर जानकारी दी है और अपने परिजनों को वापस बुलाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड त्रास्ती में जनपद के सहजनवा के डोहरिया बाजार के बुढ़िया बारी के 22 वर्षीय नागेंद्र सिंह पुत्र प्रेम, दूसरा धनुषधारी सिंह 36 वर्षीय पुत्र रामललित ग्राम गौरा खास पोस्ट जगतबेला और तीसरा वेद प्रकाश 22 वर्षीय पुत्र राजेंद्र सिंह गौरा खास जगतबेला गोरखपुर का निवासी है, जबकि आपदा पोर्टल पर शेष नाथ उपाध्याय केशव कुरहा सहजनवा और वेद प्रकाश सिंह सहजनवा ने गुहार लगाई है। गौरतलब है कि 3 लापता व्यक्ति NTPC जोशी मठ तपोवन में वेल्डिंग का काम करते थे, 2 अन्य टनल में काम करते थे, उनकी भी लापता होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपदा प्रबंधन गोरखपुर में इन तीनों के परिजनों ने अपनों की तलाश के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर यहां के जिलाधिकारी ने तीनों की तलाश के लिए पोर्टल पर नाम दर्ज कराकर उनकी तलाश शुरू करवा दी है। फिलहाल अभी किसी से भी इन परिवार वालों का संपर्क नहीं हो पाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित परिजन आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता और जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, कंस्ट्रक्शन चल जगतबेला गोरा के रहने वाले हैं। कौन था आपका परिजन वहाँ पे उतरा? वो मेरा छोटा भाई था। क्या नाम उनका? धनुषधारी सिंह। कहाँ काम करते थे? वो जोशीमठ तपोवन में था। कब से थे? करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। बात कौन से? अभी बात नहीं हुआ, जब से कल से कोई बात नहीं हुआ। फोन करने से उस शिव साहब पता था। तो अभी किससे किससे मिले आप? यहाँ पे ये है, इनका नाम क्या है? डीएम साहब से मिले? हाँ, डीएम साहब से मिले, उनसे बात भी किए, वो बोले ठीक है, आज शाम तक हम बता देंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितना उम्र होगा उनका? उनका कम से कम 38-40 के आसपास होगा। परिवार है? परिवार है। यहाँ पे रहते हैं वहीं से? नहीं, यहीं पे रहते हैं। 1 साल पहले गए? हाँ। राजेंद्र सिंह। कौन पंजे आपके? कौन रहते थे वहाँ? लड़का रहता है। लड़का? कब से थे वहाँ? 2 महीना से। कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में काम। कौन कंपनी है? होम मेकर। तो अभी बात नहीं हो रही उनसे? नहीं, बात नहीं। कितना उम्र होगा उनका? 26 साल। 26 साल। क्या नाम है उनका? वेद प्रकाश सिंह। महेंद्र सिंह। कौन है आपके वहाँ पे? हमारा भाई। कितना उम्र होगा उनका? उम्र 22-23 साल। कब से है वहाँ पे? 8-9 महीना। किस कंपनी में काम करते हैं? उसी कंपनी में। कोई बात नहीं हो रही है? नहीं, घंटी जा रहा है, फोन तो कोई उठा नहीं। कभी मिले हैं किसी अधिकारी से? हाँ, अधिकारी डीएम साहब से मिले। क्या कह दिया? वो बोले हैं कि 7 बजे तक तुमको कुछ पता हम न्यूज देंगे। देखिए, अभी हमारे जो कल घटित हुई है घटना, उसके संबंध में हमारे वहाँ तीन परिजन आए थे हमारे पास, जिसमें एक वेद प्रकाश सन ऑफ राजेंद्र सिंह, उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, गौरा खास जगतबेला के हैं, और एक धनुषधारी हैं सन ऑफ राम ललित सिंह, उम्र 36 वर्ष, गौरा खास जगतबेला की ये भी हैं, और नागेंद्र सन ऑफ प्रेम सिंह, उम्र 23, बुढ़िया बारी डोहरिया के। तो ये
तीन जन के परिजन यहाँ पर आए थे, जिन्होंने बताया कि दो दिन पहले इन लोगों से वार्ता हुई थी और ये एक ओम मेटल कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से एनटीपीसी में कार्यरत थे वहाँ पर और अपनी सेवाएं दे रहे थे। एज वेल्डर के रूप में ये लोग वहाँ पर कार्यरत थे वहाँ पे, और वहाँ से इनको ओम मेटल से भी इनके पास एक मैसेज आया हुआ है कि ये लोग मिसिंग हैं। तो इसी संबंध में ये लोग यहाँ पर आए थे कि जो मिसिंग हैं तो हम उन तक, ये लोग वहाँ जाना भी चाह रहे थे तो जिलाधिकारी महोदय से इन लोग की वार्ता भी हुई है। तो सर ने यही कहा है कि अभी सिचुएशन क्या है कुछ अभी स्पष्ट नहीं है, तो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इनके संबंध में जो सूचना है वो राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे, राहत आयुक्त महोदय तक ये सूचना प्रेषित की जाएगी। वहाँ वार्ता कर ली गई है दूरभाष के माध्यम से, सूचना वहाँ पर दी जाएगी जैसे कि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ अभी हमारे पोर्टल पे दो और लोगों की सूचना प्राप्त हुई है, एक शेषनाथ उपाध्याय और वेद प्रकाश सिंह, ये दोनों लोग सहजनवा के ही निवासी हैं। तो जिन्होंने पोर्टल पे सूचना डाली थी उनको उन्होंने कॉल किया है कि आप लोग जो भी इनका विवरण है वो आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे कि उन तक ये सूचना भी हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध करा सके, ताकि इन लोगों के ढूंढने की कार्रवाई की जा सके, जो लोग लापता है अग्रतर कार्रवाई की जा सके। क्या पता चला कि कितने दिनों से लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं? अलग अलग हैं, जैसे तकरीबन ये लोग भाई साल भर के आसपास से वहाँ पर कार्यरत हैं, एज अ फीडर का कार्य कर रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले भी इनमें से एक जन आए हुए थे गोरखपुर, लेकिन अब फिर से वहीं पे इस समय कार्यरत थे, तो इन्होंने उनका विवरण उपलब्ध कराया है। अब यह चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही एक चेक भी करा लिया जाएगा तहसील के माध्यम से, ताकि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके कि हाँ ये लोग वहाँ पर कार्यरत थे और कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं है कि इसकी सूचना कहाँ दे, तो मान लीजिए अगर इस तरह कुछ लोग हैं तो अपनी सूचना कहाँ पर दे? देखिए, आपदा कंट्रोल रूम हमारा गोरखपुर का क्रियाशील है और यहाँ का जो नंबर है 220-1776 पर भी लोग अपने चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अगर अपनी सूचना यहाँ पर उपलब्ध करा दें। बाकी 1070 जो हमारा टोल फ्री वो है, और इसी के साथ एक IGRS का पोर्टल भी संबद्ध है, तो उसके माध्यम से भी लोग हमें सूचना दे सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। यह है कि उसके साथ डिटेल अटैच करें, क्योंकि यह एक डिटेल होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम ट्रैक कर सकें कि हाँ ये वहाँ पर थे। अभी जिलाधिकारी महोदय ने जो हमारे पास लोग आए थे, ये तीन दिन के परिजन, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं जो लोग लापता रहे हैं, तो उनके भी मोबाइल नंबर हम लोग ले रहे हैं और वहाँ शासन को उसको अवगत कराएंगे, जिसके माध्यम से सर्विलांस के माध्यम से भी उनको ट्रैक किया जाए कि वो लोग कहाँ हैं, जैसे कि एक सही सूचना प्राप्त हो सके। तो हमारे आपदा कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में लोग अपनी सूचना बता सकते हैं और यहाँ के उनके माध्यम से हम राज्य सरकार के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराएंगे सूचना। उत्तराखंड में तो आई है, वहाँ यहाँ के नदियों कुछ प्रभावित होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो गंगा रिवर बेल्ट की बात है और हमारे वहाँ इसका कोई ऐसा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, और चूंकि ऊपर से आ रही है नदियाँ तो धीरे धीरे इनका प्रभाव भी नीचे डाउनफॉल होता जाएगा, तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो भी गंगा नदी से आच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पर राहत आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, सभी जगहों पर कंट्रोल रूम्स क्रियाशील हैं, बाहर चौकियाँ क्रियाशील हैं, तो सभी लोग अपने उस पर एक्टिवेटेड हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, गोरखपुर से तीन लोग फंसने के डायरेक्शन, मतलब हम लोग को सूचना मिली है, एक धनुष दारी करके 50 साल उम्र के हैं, यह गोराकाज गांव का है, और वेद प्रकाश है 24 साल का है, नागेंद्र 22 साल का है। ये तीनों लोग हैं वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते वक्त वहाँ काम कर रहे थे, उसके दो वेल्डर है, एक फोर्थ क्लास के थे। इन लोग का भी खबर नहीं मिला है फिलहाल, हम लोग वहाँ जिला प्रशासन से संपर्क में है और उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है, इनका परिवार सुबह मिले थे हमसे, हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनका यदि मान के जा रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो जल्दी से जल्दी उनके लाने के लिए प्रयास करेंगे और संपर्क आने के बाद फिर तुरंत उनके परिवार को भी हम सूचित कराएंगे।